गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। चार टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, उनके साइन हमने पढ़े थे, पहचान क्या होती है, फुल स्टॉप कहाँ लगता है और इंट्रोगेशन मार्क्स क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो राइट ए एस फॉर असर्टिव, यहाँ पर ये कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनको देखो ये कौन से सेंटेंस है, सेंटेंस का कौन सा टाइप है, और उसके सामने शॉर्ट में अगर असर्टिव है तो ए एस लिख दो, इंट्रोगेटिव है तो आई एन लिख दो, इम्पेरेटिव है तो आई एम लिखेंगे और एक्सक्लेमेटरी है तो ई एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव ये तो आपको ईजीली पता चल जाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मिलेगा पीछे और एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिलेगा, तो ये तो हम ईजीली बिना देखे ही देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है पीछे, तो इसमें हम आई एन लिखा है। ठीक है, सेकेंड ये इंट्रोगेटिव है, हु आर यू, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आई एन लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में एक्सक्लेमेशन देखेंगे हम मार्क्स कहाँ है, तो यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसका मतलब ये इसमें हमें ई एक्स लिखना है, तो हम यहाँ पर ई एक्स लिख देंगे। और अलाज यहाँ पर भी आया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, दुख व्यक्त किया गया है, तो ये इसमें भी आपका ई एक्स आएगा। अब हमें फुल स्टॉप देखने हैं, लेकिन फुल स्टॉप दो में लग रहे हैं, इम्पेरेटिव में भी लग रहे हैं और असर्टिव में भी लग रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि इम्पेरेटिव में हमें देखना है, क्या बताया था मैंने अगर आपको याद हो तो, रिक्वेस्ट की गई है, सजेशन दी गई है या ऑर्डर दिया गया है, अगर इन तीनों में से कुछ आया है तो वो इम्पेरेटिव है। तो फर्स्ट देखिए, द बियर इज डांसिंग हेयर, भालू यहाँ नाच रहा है, तो कॉमन बात है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ए एस आ गया। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आदेश ऑर्डर दिया गया है दरवाज़ा खोलने का, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव हो जाएगा, आई एम आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें हमने फिल किया है इंट्रोगेटिव का आई एन। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये उसकी खुद की स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, तो इसमें असर्टिव फर्स्ट ही आएगा आपका। सिट डाउन, बैठ जाओ, उसको ऑर्डर दिया गया बैठने का, सिट डाउन बैठ जाओ, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव का आई एम आएगा। हु आर यू, क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है, तुम कौन हो, और लास्ट में आपको साइन दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर आई एन आ जाएगा। अलास हिज फादर डाइड, तो यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दिया गया है आपको, तो इसमें ई एक्स आएगा। और व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, इसमें भी पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया गया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान आपको देख लेनी है, जैसे जो अगर साइन दिया हुआ है पहचान गए तो उसके सामने वैसा लिख दो, अदरवाइज आप स्टेटमेंट को रीड करो कि उसमें वो क्या कह रहा है। ठीक है, सिंपल बात बोल रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको देखना है। आगे है रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, देखिए वर्ड्स यहाँ पर कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये अरेंज नहीं है, आपको इनको रीअरेंज करना है और एक सूटेबल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पीछे करके लिखेंगे, जैसे इन मदर द इज़ किचन, इसको हमने कैसे लिखा, मदर इज़ इन द किचन, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस बन गया कि माँ रसोई के अंदर है, रसोई में है। काउ डज अस मिल्क गिव, तो इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, डज काउ गिव अस मिल्क, तो ये पीछे आपका ये साइन लगेगा। वी वहन वर राइटिंग एसे एन, तो इससे देखिए वहन, वी वर राइटिंग एन एसे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसमें। इज अजय गुड ए बॉय, तो इसमें क्या आएगा, अजय इज ए गुड बॉय, ठीक है। लिव इग्लू इन एस्किमो, एस्किमो के जो पहाड़ी जहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, तो उस इलाके में जो रहते हैं वो बर्फ़ में इग्लू का घर बना के रहते हैं।
तो इसमें उनको एस्किमो बोला जाता है। तो एस्किमोज लिव इन इग्लू, वो इग्लू के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए थे जो अरेंज नहीं थे, आगे पीछे ऐसे ही लिखे हुए थे, हमने इनको सही तरीके से लिखा है ताकि एक ये सेंटेंस बन जाए और इसका कुछ मीनिंग निकले। तो इसमें हमारा इतना ही एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर में, इसको बच्चों आपको करना है और चारों सेंटेंसेस के बारे में डीपली पढ़ना है, देखना है कि क्या कौन सा सेंटेंस कब किसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही काम है आपका, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।